रहमानीम असलामेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज प्रोफेसर अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज सेट्स बोर्ड की तरफ चलते हैं सेट क्या होता है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स

वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरह अगर हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स तो हमें यह मालूम है कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू पे एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्लास के जो बहुत जहीन हैं या बहुत डल हैं तो इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि कौन सा स्टूडेंट कितना जहीन है या कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है इसको मैयर नहीं किया जा सकता तो ऐसी चीजें वेल डिफाइंड नहीं कहलाती और डिस्टिंक्ट मींस कि किसी भी एक सेट में डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट अल्फाबेट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो अल्फाबेट्स या दो इंटीजर्स सेम आ जाएं तो वो सेट नहीं कहलाएगा अब हमने ये समझना है कि किसी एक सेट को लिखने के कितने मेथड्स हैं देर आर थ्री मैथड्स टू राइट अ सेट नंबर वन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म नंबर टू टेबुलर फॉर्म एंड नंबर थ्री सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म अब इन तीनों मेथड्स को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में सेट को कैसे लिखते हैं यह नीचे एग्जाम्पल दी हुई है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स। ये किसी भी सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव मेथड है इसी सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे वन टू थ्री सो ऑन टेन दिस इज टेबुलर फॉर्म और इसी सेट को अगर हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीका यह है x सच दैट स्लैश मीन्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू टेन इस मेथड में तीन सिंबल्स यूज हुए हैं उन तीनों सिंबल्स को मैं अभी लिख के आपको समझाता हूं ताकि आपको याद रहे स्लैश मीन्स सच दैट और ये जो सिंबल लिखा हुआ है इट मीन्स बिलोंग्स टू और ये जो लास्ट सिंबल है इट मीन्स एंड x such that x belongs to n and x is less than equal to 10. Next board पे चलते हैं। अब हमने operations on sets पढ़ने हैं। चार types की operations पढ़ेंगे हम। Number a union of sets, the union of two sets ए एंड बी रिटर्न एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन एर इन बी और इन बोथ यूनियन ऑफ सेट्स में जब दो सेट्स की यूनियन हमने फाइंड करनी है तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स या दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लेकिन जो सेम एलिमेंट्स है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा कि सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का नाम है इसकी एक एग्जांपल समझते हैं इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन अब इन दोनों की यूनियन फाइंड करनी है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पहले ए के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे वन टू थ्री फोर लिख लिए अब सेट बी के वो एलिमेंट्स लिख लेंगे जो सेट ए में नहीं है जो सेट ए में है वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सेट ए में फाइव सिक्स सेवन नहीं था तो वो फाइव सिक्स सेवन भी आ जाएगा नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के सिंबल में यू को उल्टा करके लिखेंगे इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन में एर बी के जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे इसकी एक एग्जाम्पल समझते हैं इफ इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू सी डी ई एफ तो अब इस पर गौर करें तो हमारे पास सी और डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा सी डी नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट टाइप है डिफरेंस ऑफ सेट्स इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी और डिफरेंस को हम ए स्लैश बी भी लिख सकते हैं इन दोनों सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए

बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है वो लिखे जाएंगे अब इसी को एग्जाम्पल से समझेंगे इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड बीज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स एट देन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सेट ए लिखा माइनस फोर फाइव सिक्स एट सेट बी लिखा अब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है वन सेट ए में है यहां नहीं है वन आ जाएगा टू और थ्री भी सेट बी में मौजूद नहीं है तो टू और थ्री आ जाएगा फोर और फाइव चूंकि सेट बी में भी हैं, इसलिए ये ए माइनस बी में नहीं लिखे जाएंगे अब इसी तरह बी माइनस ए फाइंड करेंगे अब पहले बी है तो सेट बी पहले लिखेंगे माइनस सेट ए लिखेंगे अब सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है वो लिखे जाएंगे सिक्स यहां पे सिक्स नहीं है तो सिक्स आ गया फिर एट नेक्स्ट सेट में वो नहीं है तो एट आ गया तो बी माइनस ए में सिक्स और एट दो एलिमेंट्स आएंगे अब नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने के लिए सबसेट का समझना जरूरी है तो पहले सबसेट को समझेंगे कि सबसेट क्या होता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश ए सी अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं यूनिवर्सल सेट उन तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है यानी जो सेट्स अंडर कंसिडरेशन हैं वो तमाम के तमाम सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाते हैं तो अब इस डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अगर U एक यूनिवर्सल सेट है और A U का सबसेट है मींस A के तमाम एलिमेंट्स U में मौजूद होंगे देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A U के वो एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं होंगे जैसे अभी हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा सेम उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है अब इसकी एक एग्जांपल समझेंगे यूनिवर्सल सेट है वन टू थ्री अप टू टेन एंड ए इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट अब इस क्वेश्चन पे गौर करें तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं लिहाजा सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए ये डैश कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है इसकी जगह सी भी यूज हो सकता है यूनिवर्सल सेट लिखेंगे माइनस सेट ए अब चूंकि माइनस करना हैं, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं है तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आया स्टूडेंट्स आज अपने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज